एवरी वन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव ब्लॉग्स कैसे हैं आप सब आई होप बहुत अच्छे होंगे सो so, यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम आठ साढ़े आठ बजे के आसपास का और अभी ना धूपने लगी है आधी आज जल्दी उठ गया था इस चक्कर में मैं भी जल्दी उठ गई क्योंकि मैं भी उसी के साथ उठती हूँ और यहाँ पे बस मैं उसे थोड़ा सा ना बाहर घुमाती हूँ और बाहर सुबह अच्छा होता है वैसे तो ठंड होती है बट फिर भी जो है थोड़ा सा बाहर टहल के ना अच्छा फील करता है वो इधर उधर देखता रहता है और फ्रेश हवा होती है सुबह बाकी तो मैंने उसे पूरा ढक के रखा होता है बट ठंड बहुत ज़्यादा थी गाइज और जब आधी उठता है ना उसी टाइम पे जो है मेरी वो मॉर्निंग हो जाती है तो मतलब धूप लगने ही वाली थी इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन चाय वगैरह वो सब हमारी हो चुकी थी और इसके बाद में मॉर्निंग के ना सबसे पहले जो चाय के बर्तन है वो धुल रही हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड होती है आजकल तो पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा है ना तो गर्म पानी से ही जो है मैं बर्तन वॉश करने लगी हूँ इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ ठंड हो गई है और आपको बता दूँ पहले ना उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती थी मुझे आफ्टर डिलीवरी आफ्टर सी सेक्शन जो है अब फिंगर में बहुत ज़्यादा पेन होती है अगर ठंड लग जाए और पाँव में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और मॉर्निंग में अगर नंगे सिर बाहर निकलो तो जो हैडक शुरू हो जाती है सो तो अभी भी ना मुझे हल्की हल्की हेडक शुरू होने लगी थी सो तो कल से जो है ना मुझे जो है अपने जो हेड वाले जो भी स्कार्फ हैं या टोपियाँ हैं वो निकालनी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं आफ्टर डिलीवरी एक वूमेन में बहुत ही ज़्यादा और स्पेशली ठंड के मौसम में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मतलब पहले ऐसा नहीं होता था और हेड तो कॉमन ही है पहले मुझे इतनी हेडक नहीं होती थी अब जो है थोड़ा सा अगर सर्दी में नंगा सर रह जाए पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था तो थोड़ी हेड शुरू हो जाती है और फिंगर में तो ठंडा पानी पड़ जाए तो बहुत ठंड लगती है तो ये सारे जो है ना बहुत मतलब चेंजेस आ ही जाते हैं चाहे कोई भी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन जो ये सब फेजिज है ना और बैक पेन तो मुझे उतना नहीं होता अभी तक फ़ील नहीं हुआ है बहुत सारे पूछ भी रहे थे कि इतना ज़्यादा मतलब आप रहते हो इधर उधर भागे रहते हो तो पेन वगैरह तो ऐसा ऐस मुझे बैक पेन तो कुछ नहीं होता है और बट जो है मुझे हेडेक जो है उसका इशू है थोड़ा सा और फिंगर में जैसे ठंडा पानी आजकल जैसे पड़ जाए तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ऐसे हड्डियों में ना बहुत ज़्यादा अकड़न सी फील होती है बाकी मुझे ऐस कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अभी तक सो so, बस यहाँ पे फटाफट से ना मैंने मॉर्निंग की जो रूटीन है ना वो शुरू हो जाती है इसके बाद आज जल्दी उठ गई थी तो आज जल्दी जल्दी काम हो रहा था कई बार हो जाता है ना बच्चे के साथ बच्चा लेट उठता है तो खुद भी मन नहीं करता है उठने का और ठंड में उठ के उतना ज़्यादा सुबह काम भी क्या करना हो जब तक आधी ना उठी तो मेरा तो मतलब मॉर्निंग होती नहीं है तो आज जल्दी उठ गया तो आज मेरी जो है जल्दी मॉर्निंग हो गई बाकी जो है अभी सब बिस्तर में थे और यहाँ देखिए हस्बैंड ये भी जो है आराम से अभी मैंने बो थी कि उठ जाओ मैं थोड़ा सा बेड वैड साफ करूँ तो मतलब ठंड में ना उठने का किसी का मन ही नहीं करता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगी थी डस्टिंग करने मैं क्या कर डस्टिंग वगैरह कर दूँ और आज जो है वो सैटरडे था तो ट्यूशन्स वगैरह मेरी आजकल ऑफ है और क्योंकि लवी है हमारे यहाँ पे लोकल हॉलीडेज़ होते हैं तो इतने सालों बाद हो रही है पिछली बार ना तीन साल तक तो कोविड था उसके चक्कर में जो है लवी हमारी जो हमेशा से मन होता था ना देखने का वो नहीं मतलब हुई और इस बार है तो बहुत अच्छी हो रही है हम तो नहीं जा पाते अब टाइम ही नहीं लगता है जाने का और मन भी नहीं करता अभी शुरू शुरू में तो क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है बच्चे के साथ तो बहुत डिफ़िकल्ट है हाँ नाइट फंक्शंस वगैरह होते हैं तो वो हम घर पर ही देख लेते हैं लोकल चैनल पर तो देखेंगे कल संडे है कल मे भी हमारा जाने का बन सकता है शाम के टाइम थोड़ी देर क्योंकि एग्जीब्यूशन होते हैं मैं चाहती हूँ आधी थोड़ा सा देखें बच्चे को छोटी एज से ही अगर इस तरह की चीज़ें दिखाएं ना तो मतलब एक बच्चे के लिए एक्सप्लोरिंग हो जाती है और एग्जीबिशन में बहुत सारी चीज़ें होती है अगर मैं गई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी बहुत सारी चीज़ें होती है और मतलब देखने लायक चीज़ें होती है बाकी तो उसके बाद सिक्सटीन के बाद जो है वो धूल मिट्टी है समझिए और बाकी सारी चीज़ें हैं बट एग्ज़िविशन देखने लायक है तो इसलिए हम सोच रहे कि कल देखते हैं शाम के टाइम अगर टाइम लगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी थोड़ी देर क्योंकि संडे भी है तो यहाँ पर ना हस्बैंड उठ गए थे और मैं फटाफट से ब्लैंकेट वगैरह उठा लेती हूँ और उसके बाद ना फिर बाकी काम रह जाते हैं और आदि के साथ तो ग्यारह बारह समझे ऐसे ही बच जाते हैं मुझे डेली के डेली तो सबसे पहले यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ अब जो है मैंने सोच रही हूँ गर्म बेड भी निकाल दूँ क्योंकि ठंड इतनी हो रखी है ना बहुत ज़्यादा ठंड रज़ाई हमने अभी तक नहीं ली है ब्लैंकेट से ही काम चला है बट लेनी पड़ेगी पता नहीं मतलब बहुत ठंड लगती है रात के टाइम पर और आधी बार बार उठता है ना तो ख़ुद को भी उठना पड़ता है उस वजह से तो ज़्यादा ठंड लगती है और जब छोटा था तो ठीक था कि सोया रहता था अब जो है वो उठ के जो है उसके साथ बैठना पड़ता है ये इसकी आदत बन चुकी है मतलब मुझे डिलीवरी के बाद रेस्ट ही नहीं मिला है रात के टाइम का चैन ही नहीं मिला है मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना आराम से सो जाते हैं इसके साथ तो मतलब ये दिक्कत है उठता ही उठता है दो तीन बार तो उठेगा ही मतलब

साढ़े आठ बजे के आसपास का टाइम और ये देखिए बाहर धूप लग गई है मेरी जो है थोड़ी बहुत सफाई हो गई है डस्टिंग मैंने कर ली है और झाड़ू मैंने लगा ली है परे वाले रूम में अब मैं आई हूँ अपने रूम सो ब्लैंकेट तो ना मैं जब उड़ती हूँ उसी वक्त उठा देती हूँ बाकी देखिए अभी थोड़ा सा साफ करने को है डस्टिंग करने को है और मैंने आप लोगों का वेलकम कर देती हूँ और मैं हूँ कल्पना हिमाचल से आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलते हैं डेली ब्लॉग्स का जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन प्रेस कर दें और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोग कहाँ से हैं और आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए आप वीडियो देखते हैं बट तो कमेंट नहीं करते प्लीज़ कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे भी आने वाले व्लॉग्स के लिए मोटिवेशन मिलती रहे और बस अभी जो है सुबह सुबह का टाइम हो रहा है आज ना इतनी ज़्यादा ठंड थी आधी और मैं आधी जल्दी उठ गया था तो मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ आधी उठता है तो उसी टाइम पर उठ जाती हूँ तो जल्दी उठ गया था इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा बाहर घुमाया और इतनी ठंड है ना सुबह मैं बता नहीं सकती हूँ तो मैंने ना ये लॉन्ग वाला जो जैकेट है मेरा बहुत प्यारा सा है तो ये मेरा बिफोर मैरिज का है और बता दूँ आपको बिल्कुल फिट आ गया बस ये वाला बटन नहीं ये नहीं आ रहा था बाकी जो है बिल्कुल अच्छे से आ गया है मतलब तो ये मैंने आज भी अर किया क्योंकि सुबह इतनी ठंड थी बहुत ही ज़्यादा अभी ना धूप लग गई है देखिए धूप लग गई है और मतलब साढ़े आठ पौने नौ बजे के आसपास का टाइम हो रहा है सो so मैं कर लेती हूँ फटाफट से रूम की सफ़ाई और बस और आज से ना मैं दूसरे चैनल पर भी एक्टिव होने वाली हूँ कल्पना ब्यूटी टिप्स करके अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं तो शाम तक मैं शायद अपलोड कर दूँ वो वीडियो और चेक कर लीजिएगा क्या पता आप भी जाए उसमें मैं जो है स्किन बेस्ड जो है वीडियोस बनाती थी बट प्रेगनेंसी के दौरान और अभी तक जो है बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था अब मैं फिर से उसमें जो है एक्टिव हो जाऊंगी तो चेकआउट कर दीजिएगा ज़रूर चेकआउट दीजिएगा छोटी छोटी टिप्स होती है रेमेडीज होती हैं क्योंकि आप लोग स्किन को लेके मेरी बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं बहुत ही ज़्यादा और स्पेशली जिनकी डिलीवरी हुई है और जो पोस्ट प्रेगनेंसी जो मार्क्स होता है ना फेस पे उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कि आपको नहीं हुआ है तो आप अपनी स्किन टाइप होती है बट फिर भी मैं कुछ एक रेमेडीज़ है जो वहाँ पे शेयर करूँगी चेक कर लीजिएगा ज़रूर सो चलिए फटाफट से अपने करते हैं मॉर्निंग के काम और ठंड बहुत है यार धूप लगी है बट फिर भी ना बहुत ठंड है और मैं तो आपको बताऊँ मैंने ऊन के सॉक्स पहनना शुरू कर दिए क्योंकि बहुत ठंड हो चुकी है तो चलिए और यहाँ देखिए मैंने गरम अपने जो है भुट्टू निकाल दिए थे और ये मेरी विक्टोरिया और वेरोनिका दोनों जो है आपको हाई कर रही है बहुत खुश हो जाती है जब मैं इनके आसपास होती हूँ बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाती है और यहाँ पे मैं अपने रूम आ गई थी और यहाँ पे लगी थी डस्टिंग करने ब्लैंकेट में सुबह ही उठा दी थी जब उठ जाती हूँ मैं और आदि को उसके पापा के पास पकड़ा दिया था तो ब्लैंकेट सुबह झाड़ दी थी तो अपना बेड अगर क्लीन हो जाए ना थोड़ा तो फिफ्टी परसेंट काम हो जाता है समझी सफ़ाई हो गई और सबसे ज़्यादा मैस तो ना मेरे ही कमरे में होता है बच्चे के साथ इतने सारे कपड़े और इसके छोटे चुट छोटे पिल्लो टॉयज़ उफ पकवान मतलब पूरा दिन ना इसी में हो जाता है अभी थोड़ी देर बाद फिर से बैठेगा फिर इनको फेंक देगा तो पूरी एक्सरसाइज हो जाती है बच्चे के साथ और सबसे ज़्यादा मैस हम मेरे ही कमरे में होता है और यहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसीलिए मैं ना मैं इसे अच्छे से जो है लास्ट में जो है क्लीन करती हूँ ताकि टाइम जो है मेरा बाकी जगह हो जाए काम और इसके बाद यहाँ पे आती हूँ लास्ट में क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा फैली होती है ना इसको समेटने में कम से कम दस या पंद्रह मिनट तो लगते ही लगते हैं मुझे इसके बाद ना कपड़ों का इतना ढेर लगा था मतलब इतने सारे ऑर्गेनाइज़र ले लिए हैं मैंने आदि की स्पेशली अलमीरा भी उसके बावजूद भी पता नहीं कहाँ से कपड़े आ जाते हैं और आपको बता दूँ डीक्लटरिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है मैं सोच रही हूँ कपड़ों को डीक्लटर डीक करूँ अपने भी थोड़े से कपड़े जो हैं उन्हें साइड निकाल दूँ जो मैं पहनती नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ तो टाइम ही नहीं लग रहा है मतलब कि उनको निकालूं और साइड रखूं इतना ज़्यादा मतलब बिज़ी शेड्यूल हो गया है सुबह से शाम तक और थोड़ा सा एक दो घंटे मिलते हैं रेस्ट के लिए उस टाइम पे भी जो है फिर बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं अंदर से कपड़े निकालूं बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है अब जो है और आज स्पेशली आदि जो है वो टिकता नहीं है अपने पापा के पास भी थोड़ी देर रुकेगा उसके बाद जो है मेरे पास आ जाता है उससे मम्मी चाहिए होती है फिर मेरे पास जिस टाइम पर वो सोता है उस टाइम पर जो है मैं फिर एडिटिंग वगैरह मेरा यूट्यूब का काम होता है तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा है कि मैं कपड़ों को डी क्लटर करूँ उसके बाद जो स्पेस थोड़ा सा बन जाएगा इतना मुझे पता है और आदि के भी बहुत सारे कपड़े हैं जो उसको मतलब अब बिल्कुल नहीं आने वाले और डी क्लटर करने को है। फिर सोच रही हूँ किसी को दे दूँ बट हस्बैंड मना करते हैं कि नहीं बच्चों के कपड़े नहीं देने चाहिए ये वो पता नहीं अब क्या है क्या, है, क्या नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आता बट मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ समझ नहीं आती मैं डालूँ कहाँ इनको डालूँ तो डालूँ कहाँ और बस यहाँ पे सारे कपड़े थे इसके जो कल के मैंने धुल के रखे थे तो इन्हें मैं फोल्ड करी हूँ आदि तो के तो डेली के डेली होते हैं सो ठंड बहुत लगती है डेली धोने में तो आजकल ना मैं कई बार मुझे आलस भी आ जाता है तो मैं एक दिन स्किप करके नेक्स्ट डे धो लेती हूँ जा के फ्री हूँ सबसे ज़्यादा टाइम ना मुझे अपने रूम में लगता है और ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है क्लीन कर दिया है यहाँ का जो सारे कपड़े थे ना वो उठा दिए हैं सिर्फ ये दो तीन है ये सुखाने के लिए बाकी जो है सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है सबसे ज़्यादा टाइम मुझे अपने रूम में लगता है क्योंकि आपको पता है बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है सो बस अब जो है सो बस अब जो है ना मैं मॉपिंग का काम करती हूँ फिर आदि आदि को जो है खाना खिला लेती हूँ पहले से चलिए तो so, यहाँ पे आदि का ब्रेकफास्ट रेडी था तो ये ना घर का बना हुआ बटर है फ्रेश बटर सो तो ये कल ही बनाया था तो ये मैं आदि को दे रही हूँ मेथी के पराँठे के साथ तो चलिए इसे ना फटाफट से मैं इसका ब्रेकफास्ट करा दूँ और बहुत अच्छे से खाता है पराठा तो इसे इतना ज़्यादा पसंद है पर मैं डेली नहीं देती हूँ बीच बीच में जब बीच जैसे कई बार दलिया दे दिया या कुछ दे दिया और कई बार जो है सत्तू दे दिए दूध के साथ वो सारी चीज़ें बट पराठा इसे बहुत ज़्यादा पसंद है और बटर के साथ या फिर जैम के साथ खा लेता है सॉस तो अभी तक बहुत छोटा है अभी तो मैंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया बट जैम थोड़ा थोड़ा मैं कई बार दे देती हूँ और मीठा इतना ज़्यादा पसंद है इसे और और इसका ना मतलब खाने का सिस्टम ही नहीं है आजकल कई बार जो है सुबह इसे भूख लगती है कई बार और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि गर्म तो नहीं है ज़्यादा और कई बार जो है ये शाम को जो है शाम के टाइम पे खाना खाता है आपको बता दूँ लंच कई बार पाँच बजे भी करता है कई बार इसका दिन को पेट फुल होता है तो अलग ही है बट अपनी तरफ से मैंने सेट किया होता है कि हाँ इस टाइम पर ये दूंगी बट वैसा नहीं हो पाता कई बार ये जो है अपनी मर्जी का खाता है कई बार इसे भूख नहीं होती है बिल्कुल क्योंकि लेट्स होता है तो लेट उठेगा एक बजे कई बार बनाना खाता है दो बजे को लंच बन जाता है तो दो बजे भूख नहीं होती है इसे तो कई बार हम इसे शाम को भी दे देते हैं और अब जो है ना अपने हाथ से खाना इसने शुरू कर दिया बट अब मुझे इसको ना स्पून इंट्रोड्यूस करानी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है जब भी इसके आपने चम्मच पकड़ाओ तो बट ये कि अपने हाथ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखिए दूध भी पी रहा है सो वाटर बॉटल में ही देती हूँ क्योंकि निप्पल तो ना इसने फाड़ दी है अपने दाँतों से इसके बाद यहाँ पर इसका जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ पे इसको नहला के मैं फ्री हो गई थी टाइम ना यहाँ पे ग्यारह बारह बज रहे हैं और मैंने जो है मैं भी नहा गई थी यहाँ पे कपड़े थोड़े से वॉश किए मैंने उन्हें मैं डाल रही थी और ये उठ गया था तो मैंने इसे गोदी में उठा रखा है और क्योंकि ये उठ गया था और बाकी सारे बिजी थे हस्बैंड थे नहीं घर पे तो मैंने इसके इसको उठा के ना कपड़े डाल रही हूँ यहाँ पर अंदर टिकता नहीं है मैं कहा वॉकर क्या लाना थोड़ी देर को धूप इस टाइम पे इतनी तेज़ थी ना मैं बता नहीं सकती बहुत ज़्यादा तेज़ और टिकने मतलब टिके नहीं जा रहा था इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी तो मैं ज़्यादा धूप में जो है बैठती भी नहीं हूँ मुझे पसंद भी नहीं है इसीलिए जो है मैं ज़्यादा मतलब मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा धूप पहले से मुझे जो है सर्दी पसंद है ठंड पसंद है बट धूप में बैठना तो मतलब मैं बिल्कुल नहीं बैठती हूँ पहले से ही और आदि को भी नहीं सोच रही थी क्योंकि हेड एक हो जाती सर्दी वाली धूप ना बहुत तेज़ होती है और बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है इससे स्किन भी बहुत डल हो जाती है अगर आप सर्दी की धूप में कई बार नोटिस करना जब बैठती हो तो बहुत डल हो जाती है स्किन में गुड आफ्टरनून गाइस सो अभी ना टाइम हो रहा है बारह बजे के आसपास का मैं नहा गई हूँ आदि को भी नहा के ना सो के उठ भी गया इसके मैंने बाल बांध दिए थे आज तो so, इसे मैं फिर से सुला रही हूँ इसको फिर से नींद आ रही है और बस मैं भी अभी आदि के कपड़े वगैरह धो के फ्री हुई थी मैं कभी मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी अब रेस्ट करने का तो मिलेगा नहीं सो so, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ इसके बाद मुझे दूसरा ब्लॉग शुरू करना है सो आई होप आपने आज का ब्लॉग इन्जॉय किया हुआ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी तब तक अपना ध्यान रखिए खुश रहिए खुशियाँ बांटिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कमेंट करना ना भूलिएगा ब्लॉग पसंद आ रहे हैं वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा सो so, चलिए फिर आपसे कल मिलूँगी प्यारे से ब्लॉग के साथ बाय बाई गाई स् ऑफ लव